कटिहार में वैक्सीनेशन को लेकर युवा वर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच जिलाधिकारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंचे। इस मौके पर डीएम ने लोगों से आगे बढ़कर वैक्सीन लेने की अपील की है। और हमारा भी, हमारे और हमारी वाइफ और बेटे का भी सेकेंड डोज ड्यू था, तो हम लोगों ने भी सेकेंड डोज आज प्राप्त किया है। जैसे ही ड्यू हुआ हम लोग आकर के ले लिए हैं। उत्सव का माहौल दिख रहा है, बच्चे बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं, देख करके बड़ी खुशी हो रही है। यही एक्साइटमेंट लेवल 45 प्लस वाले जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है उनको भी रखना चाहिए, आके वैक्सीन लेना चाहिए। जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ है वो तुरंत आके फर्स्ट डोज लें, जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वो आके सेकेंड डोज लें। पीछे हम लोगों ने जैन अतिथि भवन में 3 दिन का शिविर चलाया था, स्पेशल ड्राइव, उसमें 3 दिनों में लगभग 1060 लोगों ने लिया है, जो बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट डोज जो आज 18 से 44 वालों का शुरू हो रहा है वो 18 सेंटर्स अक्रॉस दी जिले में चल रहा है। 9600 वैक्सीन हमारे पास आज उपलब्ध कराए गए हैं स्टेट कोटा के। इन लोगों के द्वारा जो लोग ऑनलाइन किए हैं 18 सेंटर में, उन सब को आज पूरी वैक्सीन कम्प्लीटली दी जाएगी। और जैसे जैसे स्लॉट्स खुलेंगे, बच्चों ने पहले से ही अप्लाई करके रखा हुआ है, उन्हें स्लॉट टाइम मिलेगा। उनके पास जो ऑनलाइन होता है उसमें उनके पास सेंटर का नाम और टाइम स्लॉट, 2 घंटे का टाइम स्लॉट भी दिया जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है। उस टाइम स्लॉट के अनुसार वो यहाँ आएंगे या जहाँ भी उनका पड़ा है। आज छोटी छोटी जगह बलरामपुर वगैरह में भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो बस सबसे यही हम लोग आशा करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि वैक्सीन के लिए जो 18 से 44 वाले हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएँ और अपने स्लॉट पर जाके वैक्सीन लें। 45 प्लस वालों के लिए कोई स्लॉट बुक कराने की ज़रूरत नहीं, वो आधार कार्ड लेके आके किसी भी सेंटर में करा सकते हैं। उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आके वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने वाले लोगों को कोरोना होने पर भी बहुत कम माइल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और इससे जान बच सकती है। ये आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग आके वैक्सीन फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज जो भी उनका ड्यू है वो ले लें और वैक्सीन लेने के बाद अपने घरों में जा कर के आराम करें। लॉकडाउन का समय है और कोरोना के इस वेव में अपने आप को बचाएं।